हेलो, आई एम सैयद फर अली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्ती मिठाई की रेसिपी। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी, और इसके लिए ना आपको ना ही कोई चाशनी की, ना ही किसी मावा की, और ना ही आपको गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, और इतनी सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है ना कि आप इसको त्यौहार में जब किसी के सामने लगाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर में बनाकर तैयार किया। क्विकली ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं, मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 से 5 चम्मच लेनी है चीनी। नॉर्मल जो घर में हम चम्मच यूज़ करते हैं उसी से मैंने मैंने नाप ली है, और इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे। साथ में 2 इसमें इलायची डाल दें, या फिर आपके पास पाउडर है तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें। मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है। इस सबको हम ना पीस लेंगे, इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अगर आपको इसमें चीनी के दाने से लगे तो फिर आप इसको छान लीजिएगा, और इसे हम अब साइड पर रख देते हैं। अब हम एक मिक्सर के जार में लेंगे 1 कप बुरादा गरी का, और 1 कप ही मिल्क पाउडर लेंगे। तो जिससे हमने बुरादा नापा था गरी का, वही हमने मिल्क पाउडर लिया, और इस सबको भी हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो गरी का बुरादा जो बाजार में मिलता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट, आप वो लेकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बदले आप डबल मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा। लेकिन इससे ना आपके जो मिठाई में सॉफ्टनेस और खस्तापन है ना, वो आता है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 6 ना, तो जो हमने ये पनीर लिया है तो ये पनीर 1 कप के करीब होगा, जिससे हमने कोकोनट और दूध का पाउडर नापा था ना, बस उसी के नाप का। और जो चीनी पीसी थी वो डाल देंगे। पनीर मेरा घर का बनाया हुआ है, आप चाहें तो बाजार से लाकर भी इसको बना सकते हैं मिठाई को। और बस इन सब में डाल के, ये सब चीनी मैंने डाली, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जितनी हमने चीनी पीसी थी ना, उतनी सारी चीनी मैंने इसमें डाल दी थी, और ये सही से मीठा हो गया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 चम्मच चीनी आप और बढ़ा दीजिएगा। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। और यहाँ पर मैंने सारी चीनी को यहाँ पर इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट इसको सेट करिएगा। जितने अच्छे से आप इसको सेट करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो 1 से 2 मिनट मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा एकदम डो तैयार है। अब ना हमें इसके 2 पेड़े बना लेने हैं, और एक छोटा पेड़ा और एक बड़ा पेड़ा। और जो छोटा वाला पेड़ा है उसमें हम थोड़ा सा केसरिया रंग, ऑरेंज कलर का फूड कलर मिलाएंगे। आप चाहें तो कोई भी येलो या ग्रीन, जो भी कलर आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर मिलाया। इसको ना हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमने पानी में मिला के कलर नहीं डाला, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको इवनली आपको मिक्स करना है ताकि कलर कहीं कम ज़्यादा ना रहे। और ये देखिए हमारा एकदम बिल्कुल तैयार है। और इसको हम ना रोल करके इस तरीके का रोल बना लेंगे, और इसको हम अब रोल बनाने के बाद साइड में रख लेंगे। एकदम हल्के हाथों से प्रेस करके बनाइएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमने जो वाइड वाला पोर्शन अलग रखा, निकाल कर रखा ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा वाला हिस्सा था उसको उसके ऊपर रखकर किसी भी रैप में या एल्युमिनियम फॉइल में आपको इस तरह से हल्के हाथों से इसे फैलाना है। आपको इसको बिल्कुल भी बेलने से वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेलन वगैरह की, और आप इसको अपने हाथों से आराम से इसको फैला दीजिएगा। और हमने इसको इतना फैलाना है कि जो हम रोल बनाया ना, जब हम वो इसके बीच में रखें तो वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। जो रोल बनकर रखा था वो इसके बीच में रख देंगे, और अपने ना इसको बिल्कुल इस तरह से देखिए, इसके सेंटर में इस तरह से रख देना। और इसके बाद जो पेपर है या आप जो रैपर ले रहे हैं उसको आपको बिल्कुल हल्के हाथों से उठाते हुए ना इस तरह से देखिए इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। तो हमने ना इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें कवर करना है, और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से इसको जो है कवर कर देंगे। और इस तरह से हमें आराम आराम से इसको कवर करते जाना है, और ये बहुत आराम से कवर हो जाता है। आपको ना एकदम हल्के हाथों का यूज़ करना है, बिल्कुल भी इसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। बस इसको इस तरीके से रोल करके इवनली हम इसको अच्छे से इसको सेट कर देंगे। बस इसको थोड़ा सा घुमा लेना, और इस तरह से हमारे पास रोल जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ना इसी पे जो हमने रैपर लिया था ना, इसी में हम इस रोल को ना उसके बीच में रखकर आपने इस तरह से कवर करना है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसमें लपेट देना है, और जो साइडों से ना उससे भी आपको इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये रोल को अब हम ना फ्रिज में सेट होने के लिए 1.5 से 1 घंटे के लिए रख देंगे। बस इतने टाइम के लिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। फ्रीजर में आपको इसको नहीं रखना है, आपको इसको फ्रिज में रखना है। 1.5 घंटे सफिशियंट है, आप इतनी देर के लिए जब रख देंगे ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
और इतनी जल्दी ये क्विक मिठाई बनकर तैयार हो जाती है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। अब हम इस जो रैपर है ना इसको हम हटा देते हैं। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा मिठाई बिल्कुल बढ़िया से है जो जम चुकी है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे चाहे तो बारीक बारीक कट करके पिस्ता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ का ऊपर का पोर्शन इसका कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट, कितना बढ़िया टेक्सचर का ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। और हमें बस इसके अब ना पीस कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं चांदी का वर्क लगाना भूल गई थी, मैंने थोड़े से पीस कट कर लिए थे और मुझे याद आया कि मुझे चांदी का वर्क इसमें लगाना है, तो फिर मैंने बाद में इसमें चांदी का वर्क लगा दिया था। तो बस इस तरीके से हम आराम से नाइफ से इसको कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट जाता है, आपको दिख रहा होगा ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना क्रीमी टेक्सचर की हमारी मिठाई बनी है। आप यकीन मानिए बाजार से ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई बनेगी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने इसमें चांदी का वर्क लगा दिया है। अब हम इसको सबको अच्छे से, पूरे जो हमारा रोल है ना इसको अच्छे से हमें कट कर लेना है। बहुत ही आराम से कट करिएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर नाइफ आपकी चिपके तो आप हल्का से इसको ग्रीस कर लें या फिर पोंछ लें ताकि आपके जो पीस हैं वो एकदम क्लियरली कट होके बाहर निकले। तो आपको टेक्सचर देखकर लग रहा होगा तो कितनी दानेदार, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। इस तरह से जो इसके पीसेस कट कर रहे हैं और बाकी के पीस भी इसी तरह से हमने सारे कट कर लिए। बहुत ही बढ़िया मिठाई ना आप इंस्टेंट में जो घर पर ही रखे हुए सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं आप, और आप इसको फ्रिज में 6 से 7 दिन रखकर आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर हमारी मिठाई सब तैयार हो गई है, इसकी हम प्लेटिंग कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं एकदम लग रहा है जैसे आप मार्केट से बाजार से जो कलरफुल मिठाइयाँ मिलती हैं बस वैसे ही बनकर तैयार हुई है। और खाने में बहुत ज़्यादा शानदार बनी थी और आप इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिवाली आने वाली है, उसमें बनाइए और सबको खिलाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपकी तारीफों के पुल बनने वाले हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से मैंने पिस्ता भी गार्निश कर दिया ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और डिलीशियस लगे। और इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, एकदम मुंह में रबड़ी की तरह घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। इसको ज़रूर आप बनाइए अपने घर में और सबको खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी कैसी बनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्ट विद फारा।